अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए एसयूवी के बारे में जो कि किया की तरफ से लॉन्च हो गई है इंडिया में, जिसका नाम है किया सोनेट। आज हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं और ये किस किस कार को टक्कर देगी। तो अगर देखा जाए तो ये आपको इको स्पोर्ट, ह्युंडई वेन्यू, एक्सयूवी 300 को ये आपको टक्कर देगी और ऐसा ही आपको बहुत सारे कार को ये देगी। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो पहले हम लोग इसके डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे फ्रंट डिज़ाइन में। तो फ्रंट डिज़ाइन में आपको शार्प और एग्रेसिव लुक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टाइगर नोस ग्रिल देखने को मिलेगा, हार्ड शेप LED डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें बम्पर में आपको डुअल टोन देखने को मिलेगा विथ रेड टेपिंग में। ये जो डिज़ाइन आपको फ्रंट का है, ये आपको एक बेबी एलिफेंट से इंस्पायर्ड किया गया है। ऐसा कहा गया है कि किया वालों ने हमारे इंडियन के नापसंद और पसंद को देखते हुए इस कार को डिज़ाइन किया गया है। तो कुछ कुछ आपको देखने को ऐसा मिलेगा जो हमारे इंडियन के हिस्ट्री से बिलोंग करता हो। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्रंट टाइप का व्यू, जिसमें आपको मैंने सब बता दिया। अब हम देखते हैं हमारे साइड प्रोफाइल में कि साइड प्रोफाइल में आपको कैसा लुक देखने को मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो आपको इसमें आपको शार्प और कर्व टाइप का दिया गया है, जिसमें आपको रूफ रेल ब्लैक मिल जाता है और 16 इंच का मशीन कट अलॉय देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा और रेड टेपिंग आपको सभी में देखने को मिल जाएंगे। पर रेड टेपिंग आपको बस GT लाइन वाले मॉडल में ही मिलेंगे, HT लाइन में आपको रेड टेपिंग देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा साइड टाइप का व्यू, जिसमें आपको ORVM भी ब्लैक दिख रहा होगा विथ इंडिकेटर्स के साथ। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे रियर प्रोफाइल में कि रियर प्रोफाइल में क्या क्या हमें दिया गया। तो रियर प्रोफाइल में आपको शार्प एंटीना सबसे पहले ऊपर में मिल जाएगा, फिर LED टेल लैम्प्स मिल जाएगा जो बोल्ड है आपको, और ये जो LED टेल लैम्प्स है ये एक प्रीमियम लुक हमारे कार को देती है। ये ऐसे LED लैम्प्स हम प्रीमियम कार में ही देखने को मिल जाते हैं विथ रेड बम्पर विथ ड्यूअल टोन, इसमें भी आपको मिल जाएगा, और रेड टेपिंग आपको मिलेंगे बस GT लाइन वाले मॉडल में। तो दोस्तों, ये था हमारा रियर प्रोफाइल, और जिसमें आपको बीच में किया का लोगो देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर में अगर देखा जाए तो इंटीरियर में आपको पूरा ड्यूअल टोन फिनिश मिलेगा, और इसमें आपको वर्टिकल टच एयर कोन वेंट्स मिल जाएंगे विथ सिल्वर लाइन सराउंडिंग आपको साइड में मिल जाएगा, और इसमें आपको 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएंगे, और सीट्स में आपको रेड स्ट्रिच किए गए हैं। तो ये थे हमारे पूरे इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइंस। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट्स के तरफ जाएंगे, जो कि है इंजन। इंजन में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट्स के तरफ। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं इंजन के बारे में। इंजन में आपको कितने टाइप के इंजन मिलते हैं, तो इसमें आपको 3 टाइप के इंजन मिलेंगे सेम एज वेन्यू में, जैसा आपको देखने को मिल जाता है। तो पहला इंजन अगर हम लोग बात करें वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें आपको 98.6 BHP का पावर मिल जाता है, 240 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और माइलेज में आपको 23.5 KMPL का माइलेज ये दे देता है। सेकेंड इंजन में देखा जाए तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 81.86 BHP का पावर मिल जाएगा, 140 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, और 17.5 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाता है। हमारे थर्ड लास्ट जो इंजन टाइप है वो है 1.0 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 118 BHP का पावर मिल जाता है, 171 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और 18.3 KMPL का माइलेज मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा इंजन टाइप, जो कि सेम एज वेन्यू ही है। वेन्यू के इंजन टाइप के ही जैसा तीनों ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड फीचर की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट है वो है फीचर्स। तो हम लोग इसमें फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं और क्या क्या नहीं मिलते हैं। तो चलिए
देखते हैं हमारे फर्स्ट फीचर की तरफ। तो फर्स्ट फीचर है दोस्तों वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको 26.03 सेंटीमीटर का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आप नेविगेशन, एप्पल ऑटो कार प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड है स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर विथ वायरस प्रोटेक्शन, मींस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कार है ये, जिसमें आपको वायरस प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। हर कार में आपको स्मार्ट प्योरीफायर एयर तो मिलता है, पर विथ वायरस प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये एक फर्स्ट सेगमेंट है इस कार में। और तो दोस्तों थर्ड है वो है एडवांस कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि डिजिटल होगा दोस्तों। वो है 10.67 सेंटीमीटर का वो होगा, जिसमें आपको डिजिटल ही दिखाया जाएगा आपके कार के स्पीड को, और ये सब एनालॉग होगा आपके पेट्रोल डीजल ये की देखने के, और आपके कार के टेम्परेचर देखने के लिए ये सब आपको डिजिटल देखने को नहीं मिलेगा। और RPM मीटर भी डिजिटल नहीं मिलेगा, बस स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा, और उसमें आपको ऑडोमीटर डिजिटल मिलेगा। और आपको फोर्थ फीचर है वो है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, इसमें आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है सेगमेंट में। मिड रेंज में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ फीचर्स की तरफ, वो है रियर एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको कार पार्क करने में आसानी हो जाती है। सिक्स्थ फीचर है वो है यूवो ऐप विथ स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी। इसमें आपको क्या होता है कि आप अपने कार के फीचर देख सकते हैं, आपके कार के चेक कर सकते हैं कि आपकी कार में कितना फ्यूल लेफ्ट है, कितना आपके टायर प्रेशर है, और अपने कार को अनलॉक लॉक भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। सिक्स्थ फीचर है वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, इसमें आपको मिल जाता है टॉप एंड मॉडल में मिल जाता है। और लास्ट और सिक्स्थ फीचर है वो है वायरलेस चार्जिंग, इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड, जिसमें हम फीचर्स के बारे में बात कर लिए। फोर्थ है हमारी सेफ्टी, तो देखते हैं कि किया वालों ने क्या क्या सेफ्टी में दिया है। जैसा कि किया सेल्टोस भी एक बहुत अच्छी सेफ्टी कार है, तो उसी तरह किया सोनेट भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे फोर्थ फीचर की तरफ, वो है सेफ्टी। तो दोस्तों फोर्थ फीचर है वो है सेफ्टी। सेफ्टी में आपको ये कार क्या क्या सेफ्टी देती है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में आपको ये 6 एयरबैग दे देती है, जिसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों मिल जाता है, और जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है 6 एयरबैग, और ये सेफ्टी के लिए अच्छा है। और थर्ड है ABS EVD BA, ये 3 फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और BA ब्रेक असिस्ट, ये जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। फिर हील्स स्टार्ट असिस्ट भी आपको मिल जाता है, जो कि बेस्ट है एक कार के लिए। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक एसेबिलिटी कंट्रोल, ये भी आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा फोर्थ सेफ्टी। अब हम जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, वो है प्राइस। इस कार की प्राइस क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है वो है प्राइस, इस कार की प्राइस क्या होगी। तो अगर देखा जाए तो इस कार की एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से इस कार की प्राइस 6.5 लाख से लेकर के 11.5 लाख तक की मानी जा रही है, एज एक्सेप्टेड है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि यही प्राइस होगी, पर ऐसा एक्सेप्टेड है कि ये प्राइस होनी चाहिए लगभग इसी के आसपास। तो ये थी हमारी किया सोनेट। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।